हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं कंस्ट्रक्ट हैमिंग कोड फॉर बीसीडी 0110 यूज इवन पैरिटी। तो यहाँ पर आप बीसीडी नंबर है, तो बीसीडी जो नंबर होता है आपका वो 4 बिट होता है। तो 4 बिट नंबर के लिए जो हैमिंग कोड की कंडीशन है दैट 2 to the power k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n+k+1, जहाँ पर जो n होता है ये है नंबर ऑफ डिजिट्स इन मैसेज। तो यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी गिवन केस में, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बिट्स आपकी 4 है। और k जो होती हैं, k मतलब पैरिटी बिट्स होती हैं, जो आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए के की वैल्यू 3 होती है। तो हमारी टोटल बिट्स कितनी हो गई, टोटल बिट्स आपकी हो गई n+k विच इज इक्वल टू 7 हो गई। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 7 बिट का हैमिंग कोड बनेगा, जिसमें 3 पैरिटी बिट्स होंगी और 4 आपकी मैसेज बिट्स होंगी। अब हमने यहाँ पर ये 7 ब्लॉक्स बना लिए हैं, मैं इनको नंबरिंग कर देते हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसमें से अब आपको पता है, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसमें पता है कि जो 3 पैरिटी बिट्स होती हैं वो पहली प्लेस पे होंगी, दूसरी प्लेस पे होगी और फोर्थ प्लेस पे होगी। P3 जो होगी थर्ड पैरिटी बिट होगी वो फोर्थ प्लेस पे होगी, और थर्ड फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ प्लेस पर आपकी मैसेज बिट्स होंगी, जो कि पहली मैसेज बिट आपकी 0 है तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 1 1 और यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, अब आपको ये पैरिटी बिट्स फाइंड आउट करनी है फॉर इवन पैरिटी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहली पैरिटी बिट अगर आपको निकालनी है तो पहली पैरिटी बिट के लिए हमको किन किन प्लेसेस की पैरिटी देखनी है, वो होती है 1, 3, 5, 7। अब ये 1, 3, 5, 7 कैसे आया, क्या करें, पहली पोजीशन के लिए पहला नंबर लें, उसके बाद एक नंबर छोड़ दें, फिर नेक्स्ट नंबर लें, फिर एक छोड़ दें, फिर नेक्स्ट नंबर लें, फिर एक छोड़ दें और फिर नेक्स्ट नंबर लें। तो आपने जो चूज किए वो कौन कौन से किए, 1, 3, 5, 7। तो ये यहाँ पर आपने लिया 1, 3, 5, 7। तो इसमें से आपकी 3, 5, 7 तो आपकी मैसेज बिट्स हैं। देखिए ऊपर तो 3 पर आपका क्या है, 0, तो आप यहाँ नीचे लिख ले 0। 5 पोजीशन पे क्या है, 1, तो 1 लिख लिया, और 7 पोजीशन पे 0 है। तो ये तीनों की मिलकर यहाँ पर ऑड पैरिटी हो रही है, लेकिन हमको इवन पैरिटी चाहिए। तो हमको 1 का सिलेक्शन, 1 पोजीशन पे जो बिट चूज करनी है वो ऐसी करनी है कि इवन पैरिटी हो जाए। तो 2 1 चाहिए होंगे तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो देखो इवन पैरिटी हो गई इन चारों बिट की, तो P1 की वैल्यू क्या आई है, 1। तो आप P1 की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ पर आप 1 लिख दें। ठीक है, अब हम P2 के लिए देखते हैं, सेकंड पोजीशन के लिए देख रहे हैं, तो 2 पोजीशन के लिए देख रहे हैं, तो हम 2 सिलेक्ट करेंगे और 2 छोड़ देंगे और फिर 2 सिलेक्ट करेंगे। तो हमने 2 कौन कौन से सिलेक्ट किए, 2 3, फिर 4 5 छोड़ दिया और 6 7 सिलेक्ट किया। तो हमारी यहाँ पर इवन पैरिटी इन पोजीशन कौन कौन सी होनी चाहिए, 2 3 6 एंड 7। अब इसमें से आपके 3 6 7 तो मैसेज बिट है, तो उन मैसेज बिट्स को आप यहाँ ऊपर से लिख लें। 3 पर आपका क्या है, 0, 6 पर 1 और 7 पर 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 पोजीशन पे जो आप पैरिटी बिट यहाँ पर फिल करेंगे उसकी वैल्यू इवन पैरिटी, इन चारों बिट की इवन पैरिटी लाने के लिए आपको 1 रखना पड़ेगी, क्योंकि 1 रखने पर ही यहाँ पर दो वन हो रहे हैं, मतलब इवन 1 हो रहे हैं, है ना। तो आपकी P2 की वैल्यू क्या आ गई है, 1। तो आप P2 की वैल्यू 1 आने पर यहाँ पर 1 फिल कर दें। ठीक है, आपको ये थर्ड पैरिटी बिट भरनी है, यहाँ पर थर्ड पैरिटी बिट की पोजीशन 4th है, लेकिन तो 4th पोजीशन होने के कारण क्या होगा थर्ड पैरिटी बिट की, अब जो भी पोजीशन रहती है उतना आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद के छोड़ देंगे, तो उसके बाद के हैं ही नहीं छोड़ने के लिए,
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ये फोर्थ पोजीशन है तो आप चार सिलेक्ट करेंगे, 4, 5, 6, 7, सो इवन पैरिटी इन पोजीशन 4, 5, 6, 7, P3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। अब 5, 6, 7 तो आपकी मैसेज बिट्स हैं, आप देखिए क्या है, 5 की वैल्यू 1 है, 5 की वैल्यू 1 है, 5th पोजीशन पे 6 की 1 है, 7 की भी 1 है, 7 की 0 है, तो ये हो जाएगा 110, 110। ठीक है, तो आपको इवन पैरिटी के लिए ये जो 4th पोजीशन पे पैरिटी बिट रखेंगे उसकी वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी यहाँ पर 2 1 होंगे। अगर आप यहाँ पर 1 1, आप P3 की वैल्यू 1 रख देंगे तो 3 1 हो जाएंगे, तो ये इवन पैरिटी नहीं रहेगी, ऑड पैरिटी होगी, इसलिए P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब आपकी जो तीनों पैरिटी बिट्स हैं वो आपने डिसाइड कर ली और आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हैमिंग कोड फॉर BCD 0110 हो गया है, फॉर यूजिंग इवन पैरिटी हो गया है 110010। सो हैमिंग कोड इज 110010। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।